छतरपुर में आईएएस तपस्या सिंह ने एक शिक्षक को गिरफ्तार करवा दिया। दरअसल जिला पंचायत सीओ के पद पर पदस्थ आईएएस तपस्या सिंह परिहार के ऑफिस में शिक्षक विशाल अस्थाना उनसे मिलने पहुंचे थे। इस दौरान निलंबित चल रहे शिक्षक ने आईएएस को 50,000 रुपए की रिश्वत का ऑफर दिया, जिसके बाद आईएएस ने शिक्षक को अपने चैम्बर से गिरफ्तार करवा दिया। हाँ, एक शिक्षक है जिनको जो चुनाव में जब उनकी ड्यूटी लगी थी तो वो ट्रेनिंग के लिए भी नहीं आए थे और ड्यूटी भी नहीं करना चाह रहे थे, तब हमने उनको उन पर कार्रवाई करी थी और उनकी जांच अभी चल रही थी, क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिए थे उसको हम प्रमाणित करवा रहे थे कि वो सही है या नहीं है वो जो कह रहे हैं। तो उनको सस्पेंड किया था, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने रिश्वत ऑफर करी 50,000 की कि आप मुझे बहाल कर दें। तो उसके बाद बस पुलिस को कॉल करके हम भेज दिया। सर, किस तरह की कार्रवाई, अगर मान लो उसमें इस तरह के अधिकारी आ रहे हैं बहाली के लिए लेकिन ऐसे अन्य भी हैं, क्या मामला है? अगर इस तरह और भी अधिकारी अगर मान लो काम कर रहे हैं, टीचर भी काम कर रहे हैं, अगर बहाली के लिए रुपया दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत पाए जा रहे हैं कि अन्य विभागों में भी इस तरह पाए? नहीं, ये तो कहीं से भी सही नहीं है ना, रिश्वत देना किसी भी चीज़ के लिए, और कार्रवाई तो बिल्कुल गलत नहीं है उनके ऊपर। हम तो पूरा जांच ही कर रहे हैं इनफैक्ट कि वो क्या कह रहे हैं। चुनाव में किस तरह की गड़बड़ियां कर रहा था? चुनाव में गड़बड़ नहीं, अनुपस्थित थे ट्रेनिंग में चुनाव की ड्यूटी लगी थी उनकी। दरअसल ये शिक्षक अपनी बहाली के लिए जिला पंचायत सीईओ के कक्ष में आवेदन पत्र के साथ 50,000 रुपए की रिश्वत से भरा लिफाफा लेकर पहुंच गए थे। इसी बात से नाराज होकर आईएएस ने शिक्षक विशाल अस्थाना को गिरफ्तार करा दिया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान विशाल अस्थाना लगातार अपनी ड्यूटी से गायब रहे। उन्होंने चुनाव संबंधी प्रशिक्षण में भी हिस्सा नहीं लिया, जिसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया था। विशाल अस्थाना तभी से निलंबित थे, लेकिन मंगलवार शाम को वो कलेक्ट्रेट में स्थित जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार के चैम्बर में पहुंच गए, जहां उन्होंने आईएएस को रिश्वत का ऑफर दिया, जिसके बाद आईएएस तपस्या सिंह ने तुरंत एक्शन लेते हुए शिक्षक को गिरफ्तार करवा दिया। छतरपुर से लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट, एमपी तक।